हेलो एवरीवन, आज हम ग्रुप थ्योरी पर बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शो दैट द रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 3 डू नॉट फॉर्म अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास ऑपरेशन तो है मल्टीप्लिकेशन का, और हमारे पास जो सेट दे रखा है वो दे रखा है रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 3 का। तो जब ऐसा पॉसिबल हो तो हमारे पास सेट के अंदर जो मेम्बर होंगे, यानी कि जी मान लो, इसके अंदर जो मेम्बर होंगे किस कौन से क्लास के 3 का है, यानी कि तीन नहीं आता है, तीन से छोटे आते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 0, फिर आता है 1, फिर आता है 2। ये हमारे पास सेट के पास मेंबर है, और हमारे पास ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशंस का, मॉडुलो 3 का। ठीक है, तो देखिए सेट के पास मेंबर है मल्टीप्लिकेशन का, आपको क्या बनाना पड़ेगा? कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल तो आप शॉर्टकट में यहाँ लिख दो 0, इधर लिख दो 1, इधर लिख दो 2। वही चीज़ यहाँ पर भी लिख दो 0, 1, 2। मल्टीप्लाई करो 0 × 0 = 0, 0, 0 हो जाएगा। किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते 0 होता है। 0 × 1 = 0, 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2, 2 × 0 = 2, 1 = 2। ठीक है, फिर देखिए यहाँ क्या करेंगे, 2 × 2 = क्या हो जाएगा? 4। जब 4 आया मतलब ज़्यादा हो गया, आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से, क्योंकि मॉड्यूलो 3 का केस है। 4 आया है, उसको आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा 3 से। 3 × 1 = 3, रिमाइंडर कितना बचा? 1। जब भी ज़्यादा हो जाएगा 2 से, तब तब आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो रिमाइंडर आएगा उसको आपको यहाँ लिखना है 1। ठीक, तो देखिए अब हम देखते हैं हमारे पास सेट के पास मेम्बर क्या है। 0, 1, 2 था, तो जो अंदर एलिमेंट्स हैं वो तो या तो 0 है या 1 है या 2 है। चलो ठीक है, आउटसाइड एलिमेंट कोई नहीं आया है। ओके, यानी कि आउटसाइड एलिमेंट कोई नहीं है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी और सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी? ऐसे लिखोगे, बाय सीइंग कंपोजिशन टेबल इट इज़ क्लियर दैट एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट, सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ऐसे आप लिख देना। अब आ जाओ सेकेंड नंबर में, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में आप क्या बोलोगे? देखिए मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिविटी इन जनरल होल्ड होती है, तो आपको वही लिखना है। वी नो दैट इन जनरल, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इन जनरल एसोसिएटिविटी इज होल्ड। बस इतना लिख देना। ठीक है, आपको लैंग्वेज वाइज में इस टाइप के क्वेश्चन में आपने कंपोजिशन टेबल में दिखा दिया ना, तो 70% काम आपने यहाँ कर दिया है। अब थर्ड पे आ जाए, एग्जिस्टेंस ऑफ क्या होता है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको आप अपडेट करो तो वही आ जाते हैं। तो देखो एक वन एक ऐसा एलिमेंट है, देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू द सेट जी फॉर एवरी ए, चाहे ए आप कुछ भी ले लो, उसको आप वन्स के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको ए ही मिलेगा। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, मिलेगा कि नहीं? देखिए ए आपको 0 × 1 = 0, 1 × 1 = 1, 2 × 1 = 2। तो ए आपका कुछ भी हो, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट फिक्स हो गया। अब आते इनवर्स में। ठीक है, तीन प्रॉपर्टी अब तक शो हो गई है, और बोला है कि ग्रुप नहीं होगा, मतलब चौथी प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड होगी नहीं। ठीक है, चलो क्यों नहीं वो देखते हैं। इनवर्स क्या होता है कि ए को अगर ऑपरेट कराते हो ए इनवर्स से, तो क्या आनी चाहिए? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? 1 है। मल्टीप्लीकेशन के केस के लिए 1 ही होता है। अब ये 1 है, तो देखो एक 0, देखो 2 को हम किससे ऑपरेट कराएं कि हमें 1 मिले? 2 से, 2 × 2 = 1 दे रहा है। 1 को हम किससे ऑपरेट कराएं कि 1 मिले? 1 से। लेकिन 0 को आप किससे ऑपरेट कराओ कि 1 मिले? ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिससे आप ऑपरेट कराओगे तो आपको 1 मिल जाए। तो लिखोगे सिंस 0 डज नॉट हैव इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सो existence of inverse is not satisfied since all the postulates for being is for being a group is not hold and not satisfied, hence it is not a group. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।